में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक बदमबाल रेड्डी ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विक्रमाबाद जिले का नाम बदलकर अनंतगिरी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सुवास्थ्यवर्धक जिले को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने तेरसा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बंगारू तेलंगाना के निर्माण का दावा करने वाली सरकार ने राज्य को कर्जदार बना दिया है। उसने राज्य पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया है। भाजपा में शामिल हुए रविशंकर पटेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी और कहा कि वे एक NRI हैं और तेलंगाना आंदोलन के समय विदेश में तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कभी NRI खुद को भारतीय कहने में संकोच करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी गर्व से खुद को भारतीय कहते हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में भाजपा को तेलंगाना की सत्ता में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है।